गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड के अंतर्गत हम पेपर एडवांस अकाउंटेंसी के अंतर्गत आज हम यूनिट फर्स्ट का चैप्टर लेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की प्रॉब्लम्स हमें किस तरह से सॉल्व करनी है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एक बहुत आसान चैप्टर है। इसके अंतर्गत जैसे अब तक आप लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते आए थे, उसी प्रकार से हम यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइटम्स उसी प्रकार से लिखे जाते हैं जैसे अब तक आप लोग लिखते आए हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे उन एक्सपेंसेस को हमें अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना पड़ेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटने के लिए आपको कुछ तो ऐसे एक्सपेंसेस हमें बता रखे होंगे कि जो हर डिपार्टमेंट का आपको अलग अलग दे रखा होगा, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो हमें हर डिपार्टमेंट के अलग अलग नहीं बता रखे होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम उन एक्सपेंसेस का एक पर्टिकुलर, यदि हमें क्वेश्चन में रेशो दे रखा होगा तब तो उस रेशो के आधार पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और यदि हमें कोई भी रेशो बता नहीं रखा होगा तो ऐसी स्थिति में हम कुछ आधार के आधार पर उन एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एक्सपेंसेस हमारे इस प्रकार के होते हैं जिनको हमें अलग अलग विभागों में बांटना संभव नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में हम उन एक्सपेंसेस को अलग अलग विभागों में बांटने की बजाय एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके अंतर्गत हम उन खर्चों को लिख देंगे। यहाँ पे भी हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे और एक नेट प्रॉफिट निकालेंगे। कुछ हमारे एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जिनको हमें सेल्स रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे बिक्री से संबंधित खर्चे होंगे उनको हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे, और जो परचेज से संबंधित खर्चे होंगे उनको हम परचेज रेशियो के अंतर्गत डिवाइड करके चलते हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जैसे हमारा किराया हो गया, भवन की मरम्मत का हो गए खर्चे, या भवन का बीमा, या भवन से संबंधित जितने भी खर्चे होंगे उनको हम घेरे गए क्षेत्रफल के आधार पर बांटते हैं, और मजदूरी से संबंधित जैसे भविष्य निधि है कर्मचारियों की, या कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कोई अंशदान करा हुआ है, कैंटीन या मेडिकल से संबंधित जो भी खर्चे होंगे उनको हम मजदूरी के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अन्य जो भी हमारे खर्चे हों जैसे हमारे लाइटिंग होता है, या डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स ऑफ मशीनरी होता है, ये पॉइंट्स के आधार पे या घेरे हुए स्थान के आधार पे बांटे जाते हैं। फर्नीचर हम जो भी हमारा डेप्रिसिएशन होता है उसको हम बिक्री के आधार पे डिवाइड करेंगे। पावर को हम जितने भी घंटे हमने यूज़ किया उसके आधार पर बांटी जाएगी पावर को, या मशीनों की जो हॉर्स पावर आती है उसके आधार पर डिवाइड किया जाता है। इंश्योरेंस प्रीमियम को जनरली हम एवरेज स्टॉक के आधार पे करते हैं, यदि हमारे एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस होता है तो वर्क या वर्कमैन कॉम्पनसेशन जो इंश्योरेंस होता है उसको मजदूरी के आधार पे डिवाइड किया जाता है। आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा कि डिपार्टमेंटल अकाउंट के अंतर्गत हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे। राज कंपनी के तीन विभाग हैं, कॉटन, वूलन एंड पॉलिस्टर। उनका वर्ष 2016-17 के लेन देनों का लेखा हमें बता रखा है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज और सेल्स चारों अलग अलग हमें हर डिपार्टमेंट की बता रखी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट साइड में आता है। टू ओपनिंग स्टॉक कॉटन डिपार्टमेंट का हमें बता रखा है 15,000, यहाँ पे वूलन का 7,500 रुपये, और हमें पॉलिस्टर का बता रखा है 4,500। और इसके बाद एक हम टोटल का कॉलम बनाएंगे। टोटल का मतलब है कि यदि इन तीनों विभागों का जोड़ आएगा वो इस टोटल के कॉलम में आएगा 27,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा गैप करके मैं लिख रही हूँ क्योंकि ऊपर दूसरे खर्चे आएंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक हमें बता रखा है 4,500, 3,000 और 1,500। यहाँ पे भी हमने एक टोटल का कॉलम बनाकर 9,000 परचेजेस तीनों डिपार्टमेंट्स की हमें अलग अलग बता रखी है। परचेजेस हमें बता रखी है 1,50,000, 1,20,000 और 90,000। तो
तो इसका अपन टोटल कर लेंगे 360,000 रुपये सेल्स, तो लिखेंगे हम बाय सेल्स। जब भी हम क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होते हैं तो सेल्स सबसे पहले लिखी जाती है, 3 लाख 2,25,000 और 1,50,000। इन आइटम्स के अलावा हमें बता रखा है, 4 आइटम्स दे रखे थे, चारों हमने लिख लिए हैं। रेंट एंड टैक्सेस 15,000, स्पेस रेशियो में डिवाइड करना है 2:1:1। रेंट एंड रेट्स हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा नहीं होता बल्कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट को कंप्लीट कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स लिखेंगे, इसलिए अब मैं इसको छोड़ रही हूँ। सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस, ये चारों हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स हैं, तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट को कंप्लीट करने के बाद लिखेंगे, क्योंकि जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है वो आजकल कंबाइंड बनाया जाता है। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले अपन ट्रेडिंग अकाउंट बना लें उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। हमेशा से ही हम जनरली ऐसे ही करते हैं कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनता है। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे तो उसके बाद हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टार्ट करेंगे। अब आपको इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स बता रखें। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स का मतलब होता है कि एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को कितना माल दिया। तो यदि हमारा एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को माल कॉस्ट पर देता है तो ऐसी स्थिति में जो डिपार्टमेंट इश्यू करता है उस डिपार्टमेंट को हम लिखेंगे, मतलब इसको तो जो डिपार्टमेंट इशू कर रहा है वो तो आ जाएगा क्रेडिट पे और जो डिपार्टमेंट प्राप्त कर रहा है वो आ जाएगा डेबिट में। तो इसकी हम एक वर्किंग नोट में आप लोग टेबल भी बना के आइएगा। हम 3 डिपार्टमेंट का लिख लेते हैं, हमारे 3 है, कॉटन, वूलन और ये मेरा है पॉलिस्टर। पहले हम देने वाला सिस्टम लिख रहे हैं कि कितना कितना हमने किसको दिया। ये कहता है फ्रॉम कॉटन, कॉटन से कॉटन डिपार्टमेंट ने वूलन को तो दिया 15,000। यहाँ पे कॉटन डिपार्टमेंट है हमारा, कॉटन डिपार्टमेंट ने वूलन को तो दिया है 15,000 और उसने पॉलिस्टर को दिया 7,500। फिर इसके बाद जो हमारा वूलन डिपार्टमेंट है उसने कॉटन को तो दिया 9,000। ये मेरा वूलन, कॉटन को दिया उसने 9,000 का माल और पॉलिस्टर को दिया 4,500। अपने आप को तो देगा नहीं इसलिए डैश डाल दिया इसमें मैंने। फिर पॉलिस्टर ने कॉटन को तो दिया 4,500 का और वूलन को दिया कुछ भी नहीं, तो कितना मिल गया इनको 13,500, 15,000 और 12,000। हम दोनों साइड का टोटल लगा लेंगे, 22,500, 13,500 और 4,500। ये जो चीज है वो ये बता रही है कॉटन ने कितना दिया और इधर कॉटन ने कितना लिया। तो 13,500 कॉटन ने लिया, वूलन ने 15,000 और पॉलिस्टर ने 12,000। जो जो इन्होंने लिया तो टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स दोनों साइड लिखेंगे अपन। ये वाली जो फिगर्स है वो इधर आ जाएंगी, टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स 13,500, 15,000 और 12,000 और टोटल हो गया इसका 40,500। इसके बाद इन्होंने ये वाली चीज थी, ये तो बता रही थी कि इन्होंने कितना कितना माल प्राप्त किया, दिया जो इन्होंने, मतलब इन्होंने जो इश्यू करा वो अपन यहाँ पे लिख देंगे, बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स 22,500, 13,500 और 4,500 और हमारा इसका टोटल हो जाएगा आपका वही सेम आएगा 40,500।
हमने जितने भी आइटम्स हमें बता रखे थे ये उस सभी को लिख लिया है ट्रेडिंग अकाउंट पे, तो हमारा आ जाएगा पे ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट टोटल होगा यहाँ पे 3,27,000, 2,41,500 और 1,56,000, 7,24,500। दोनों साइड का टोटल सेम लिखेंगे अपन, 3,27,000, 2,41,500 और 1,56,000 और 7,24,500। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम अपने क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे और क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड के जितने भी आइटम्स हैं उनको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और यदि हमारा डेबिट ज़्यादा हो जाता है क्रेडिट कम होता है तो ये हमारा लॉस होता है। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा 1,48,500, 49,000, 49,500, 2,97,000। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,48,500, 99,000 और 49,500 और इन तीनों का अपन टोटल करके लिखेंगे तो आपका आएगा 2,97,000। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे। तो सबसे पहला है हमारा टू रेंट एंड टैक्सेस, टू रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस तीनों डिपार्टमेंट्स के कंबाइंड दे रखे हैं हमें 15,000 और इसका हमें रेशियो बता रखा है 2:1:1। हमें खुद नहीं डिसाइड करना है कि किस रेशियो में डिवाइड करना है, इन्होंने खुद ने दे रखा है। तो 15,000 को यदि अपन 2:1:1 में डिवाइड करेंगे तो 7,500 और फिर हम 1/1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 3,750 और यहाँ पे भी हम लिख देंगे 3,750। रेंट एंड टैक्सेस के बाद आएगा आपका टू सैलरीज। सैलरी आपको टोटल 30,000 बता रखी है और इसका भी रेशियो हमें बता रखा है 6:3:1। टू सैलरीज 6:3:1 और ये है हमारी 30,000। इसके बाद है एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में आपको कुछ भी नहीं बता रखा कि किस रेशियो में बांटना है, तो इसको हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। टू एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अब हमें इसका सेल्स रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो निकालने के लिए 3,25,000 और 1,50,000, तो तीनों का अपन रेशियो निकाल लेंगे। यदि अपन इसको सॉल्व करके इसका अपन रेशियो निकालेंगे तो आपका रेशियो आएगा 4:3:2। 4:3:2 और हमारी एडवर्टाइजमेंट एक्स सेलिंग एक्सपेंसेस जो 33,750 है उसको इस रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। 33,750 को यदि अपन 4:3:2 में डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 11,250 और 7,500 रुपये। एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस के बाद आपको बता रखे हैं जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस के लिए कहता है कि तीनों डिपार्टमेंट्स में हम इक्वल डिवाइड करें हमारे टू जनरल एक्सपेंसेस
जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस है हमारे 11,250, जिसको हम तीनों डिपार्टमेंट में इक्वल डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है। 11,250 के यदि अपन तीनों डिपार्टमेंट में इक्वली डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3,750, 3,750 और 3,750। इसके अलावा हमें कोई भी और आइटम नहीं बता रहा, तो हम सीधा नेट प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पे लिख देंगे अपन टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो यदि हम इसका नेट प्रॉफिट निकालें तो आपका आएगा 104,250। नेट प्रॉफिट कैसे निकाला हमने, ग्रॉस प्रॉफिट था हमारा 148,500 कॉटन डिपार्टमेंट का, उसमें से हम इन चारों एक्सपेंडिचर को डिवाइड माइनस कर देंगे 7,500, 18,000, 15,000 और 3,750। यदि हम चारों को डिवाइड माइनस करके आते हैं तो हमारी फिगर आएगी 104,250, 71,250। ये वूलन डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट आएगा। और उसके बाद हमारा जो पॉलिस्टर डिपार्टमेंट है उसका आएगा 31,500 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2,07,000 रुपये। इस तरह से हमारा ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हम एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उन खर्चों को लिखा जाता है जो हमने किसी भी मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड नहीं किए और जिनको करना भी संभव नहीं होता। क्वेश्चन में लास्ट में आपको बता रखे हैं, कुछ खर्चे और दे रखे हैं, जनरल रिजर्व और इनकम टैक्स, दो खर्चे दे रखे हैं, तो उसको अपन जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाएंगे। इसके बाद हम बनाते हैं हमारा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम जो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया है उसे लिखेंगे, बाय प्रॉफिट ऑफ कॉटन। कॉटन डिपार्टमेंट का हमारा प्रॉफिट था 104,250 रुपये। इसके बाद वूलन डिपार्टमेंट का था 71,250 रुपये और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट का हमारा प्रॉफिट था 31,500। तीनों को हम ऐड कर लेंगे, तीनों को यदि हम ऐड करके निकालते हैं तो ये वही आ जाएगी फिगर 2,07,000 जो आपने यहाँ पे टोटल के कॉलम में लिखी थी। यहाँ पे लिख देंगे हम टू इनकम टैक्स और टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व। इनकम टैक्स है हमारा 11,500 रुपये का, 25,000 थे मेरे जनरल रिजर्व के, तो टू नेट प्रॉफिट। तो ये हमारा जो नेट प्रॉफिट हो जाएगा जिसको हमें बैलेंस शीट पे कैरी करना है 1,70,500, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। इसी को हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। तो ये हमारा हो गया पूरा डिपार्टमेंटल अकाउंट में। सबसे पहले हम हर डिपार्टमेंट के वाइज एक ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद यदि कुछ खर्चे हमारे छूट जाते हैं तो फिर हमें जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ता है। लेकिन ये प्रत्येक क्वेश्चन में आवश्यक नहीं है कि आपको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़े, लेकिन हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय बस एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होते हैं वो कई बार तो कॉस्ट वाइज से होते हैं और कई बार सेल्स पे होते हैं, तो आप ये देखिएगा कि वो कॉस्ट पे हैं या सेल्स पे। यदि कॉस्ट पे दे रखा होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसी फिगर होती है वैसे के वैसे ही लिख लेते हैं। यदि सेल्स पे दे रखा होता है तो हमें कुछ
एडजस्टमेंट भी करने पड़ते हैं, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है। थैंक यू।